मेरे पूर्व पति के साथ मेरा निकाह 22 मई 2007 को हुआ था। पति गोवा में प्राइवेट नौकरी करते थे, इसलिए गोवा राज्य के मामा गोवा शहर में स्थित सदा इलाके में अपने पूर्व पति के साथ वर्ष 2007 से वर्ष 2018 तक गोवा में रही। दुर्भाग्यवश एक वाहन दुर्घटना में मेरे पति मृत्यु दिनांक 27 मई 2018 को हो गई। उनके देहांत के उपरांत मुझे कुछ समय गोवा में रहना पड़ा क्योंकि वाहन दुर्घटना का मुआवजा लेने की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करनी थी। जून 2018 में मैं गोवा छोड़कर बिहार आ गई। तब से मैं बिहार राज्य की निवासी हूँ। बिहार लौटने के बाद XXXX साथ मेरा निकाह 29 नवंबर 2020 को हुआ। अब मैं उनके साथ रहती हूँ। मुझे एक 10 साल का लड़का है। गोवा की भाषा कोंकणी बोलने या लिखने नहीं आती है। मैं सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। गोवा के स्थानीय कार्यकर्ता दयानंद नाइक से मेरा परिचय हुआ, जो कि स्थानीय MLA के लिए कार्यरत थे। MLA गोवा राज्य के मंत्री रह चुके हैं, जो कि विद्यमान मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जिन्होंने मेरी काफी सहायता की। इसी दरमियान मेरा परिचय यशवंत घोणशेकर और सोनू उर्फ प्रज्योत वेगुलेकर से हुआ, जिसने मेरे मोबाइल पर फोन करके आर्थिक मदद दिलवाने की बात कही। मैं आर्थिक मदद मांगने गई तो उपरोक्त दोनों व्यक्ति मुझे संकल्प आमोणकर नामक स्थानीय कांग्रेस नेता के घर पर ले गए। वहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको पैसे की मदद करेंगे और इसके बदले में हम आपकी वीडियो तथा फोटोग्राफ्स निकालेंगे। अपनी खराब स्थिति होने के कारण मैं लाचार थी। इस मजबूरी में मैंने उनको वीडियो एवं फोटोग्राफ्स निकालने की अनुमति दे दी। यशवंत गौणशेखर और संकल आमोणकर ने मेरी परिस्थिति का फायदा उठाकर मेरी वीडियो भी बनाई और तस्वीर भी खींच ली। उसी समय उन्होंने मुझे एक कागज पर लिखी बातें पढ़ने को कहा और उसकी भी रिकॉर्डिंग की। इस काम को करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने मुझे केवल 2 लाख रुपए ही दिए। मैं मन ही मन डरी थी पर मजबूर थी। वहीं पर दामोदर नामक व्यक्ति भी था, जिनके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी थे, जिनके साथ स्पाई कैमरा की बात संकल्प आमोणकर कर रहे थे। मुझे यह बात समझ नहीं आई जब मैं कुछ दिनों बाद यशवंत घोणशेखर के घर गई तो उसने तथा उसकी बहन ने मुझसे गाली देकर बात की और कह कि हमारे पास आए तो पुलिस में दे देंगे। ऐसे धमकाया मैं डर गई। कुछ गलत हो गया है या होने वाला है ऐसा लगा, लेकिन किसी को डर के मारे बोल नहीं पाए। घोणशेखर ने मुझसे कई कागज साइन करवा लिए थे। मुझे पैसे मिलेंगे इस आशा से बिना सोचे समझे साइन कर दी, लेकिन उन्होंने बाकी पैसा नहीं दिया। उसके बाद मैं जून 2018 में मैं गोवा छोड़कर बिहार आ गई। दिनांक 29 नवंबर 2021 को मुझे गोवा के एक परिचित महिला का फोन मेरे मोबाइल पर आया। यह महिला गोवा में ब्यूटी पार्लर चलाती है। उस महिला ने मुझे बताया कि गोवा में तथाकथित सेक्स स्कैंडल में मेरा नाम लिया जा रहा है। उन्होंने मंत्री का नाम भी लिया। तभी मुझे दयानंद नाइक का फोन आया, जो मेरी काफी मदद किए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि दामोदर दिवकर नामक व्यक्ति से मेरे फोन पर मैसेज किए हैं कि मंत्री जी और आपका ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है और पैसे की मांग किया, नहीं देने पर मीडिया में वायरल करने की बात कही। जब मेरे ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्डिंग का एकाएक जिक्र हुआ तो मैं बहुत ही डर गई। तब मैं दिनांक 1 दिसंबर 2021 को अपने पति को सारी बात बताई। तो मेरे पति गूगल सर्च किए तो पता चला कि कांग्रेस के गोवा प्रमुख गिरीश चोडनकर नामक किसी व्यक्ति ने सोमवार 29 नवंबर 2021 को एक पत्रकार परिषद लेकर गोवा के किसी मंत्री के द्वारा महिला का यौन शोषण करने के विषय में बात कही है। गिरीश चोडनकर ने यह भी कहा है कि इसका वीडियो उसके पास है और अगर 5 दिनों में यदि उस मंत्री को हटाया नहीं गया तो यह मामला आगे लेके जाने की धमकी दी। फिलहाल उस महिला एवं मंत्री का नाम वह अभी घोषित नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। गिरीश चोडनकर को मैं जानती नहीं, इसलिए मुझे संदेह हुआ कि गिरीश चोडनकर की पत्रकार परिषद और दामोदर दिवकर पैसे की या बिजनेस डील की जो बात दयानंद नाइक से कर रहा था, उन दोनों में कोई संबंध है। मुझे दयानंद नाइक एवं उनके परिचित MLA गोवा राज्य के मंत्री मेरी काफी मदद किए, जिनके द्वारा मेरा किसी प्रकार का यौन शोषण एवं प्रताड़ना नहीं किया गया है। यशवंत घोणशेकर, सोनू उर्फ प्रज्योत वेगुलेकर, संकल्प आमोणकर स्थानीय कांग्रेस नेता, दामोदर दिवकर एवं अन्य 2 व्यक्ति मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर मुझे आर्थिक मदद देने के नाम पर प्रलोभन देकर मेरी वीडियो ऑडियो एवं तस्वीर को कंप्यूटर के माध्यम से फोटोशॉप एवं एडिट करके उसका झूठा रूपांतर करके पैसा कमाने हेतु मीडिया एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया है।